हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और ये देखो, सुबह का 9 बज चुका है और सोना लग रखा है दादा के साथ मस्ती करने पे। थोड़ा सा कपड़े धूप में डाल रखे हैं, इधर इधर देख सकते हो आप। बड़ी मुश्किल से इधर धूप आ रही है, बहुत मुश्किल हो रखी है। हेलो गाइस करो भाई, दोनों हाथ से हाथ लाओ। हेलो गाइस करो, हेलो हेलो गाइस करो भाई, हेलो गाइस करो भाई, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो बोलो बेटा, हेलो गाइस। ये देखो कट्टी कर रहा है, तो देखो अभी तो अच्छा हो रखा है मौसम। और हम जा रहे हैं अभी मिट्टी लेने, और मम्मी सोना पापा घर में रहेंगे, और ये सोना की गाड़ी। और यहाँ पे देखो हमारे तुलसी का पेड़ बहुत प्यारा हो रखा है, बहुत पुराना है ये तो, बहुत अच्छा हो रखा है। और ये सारे बीज हो रखे हैं इस पर, तो मैं भी ले जाऊँगी इसका बीज। और केले भी हो रखे हैं हमारे, और आम तो कल बंदर ने खा दिए, नहीं लंगूर ने। मक्की पता नहीं होगी नहीं होगी, मैं कब तक खाऊंगी मक्की पता नहीं है। और थोड़ी थोड़ी सब्जी हो, ये रहा अमरूद और ये रही मक्की। दिखाती हूँ आपको, इस मक्की पे मेरी नज़र है अगर होगी तो जाने तक। और ये रहा, इसको हम लोग चिचिंडा बोलते हैं, हरा हरा सा होता है। तो चलो हम लोग चलते हैं अभी, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। अरे ये कौन है? ये इतना शैतान है ना, ये चलता रहता है पूरे दिन भर, चलता रहता है बस। और मौसम ठीक है, आज धूप हो रखी है। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको रास्ता, गाय भी लेके जाएंगे। और गुल्लू कहाँ है? गुल्लू कहाँ है? गुल्लू ये रहा। और ये रहा गुल्लू। हेलो गुल्लू, हेलो गुल्लू, हेलो गुल्लू। गुल्लू ने रोटी खा दी है, मस्त हो रखा है, यहाँ पे सुस्ता रहा है। अरे हेलो ठुल्लू, हेलो ठुल्लू, प्रणाम करो छपको, प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करो छपको, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो ना, प्रणाम करो, जय कर, जय जय कर। वो रखा थी गौर से देखो, चल गंदा। तो आ गए हमारी चल का मती माला सुपारा, इसका नाम क्या है? हाँ हाँ आ जा, आ ये है माला। इसका नाम क्या है? रेखा, चेता और मेता। ये देखो, चलो 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 चलो, ये देखो ये बुढ़ा हो गया, अभी तक अपनी माँ का दूध पीता है। और इसका माँ हमको तो दूध देती नहीं है, बस अपने बच्चे को पिलाती रहती है। और ये है परू। हाय गाइस, हाय गाइस, ये रही कंडी। कैसे हो? तो हम लोग निकलते हैं अभी, बस वे को काम में ही हुई चाहिए, देख लो। ओके मंगरा में क्या जानता, मैं चल जोल पल्ली कंडी मिली बंद। चलो आ जाओ, चलो आपको जो भी दिखाते हैं चलते चलते, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। आज मैंने सेल्फी स्टिक ले रखी है, तो आज इससे ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि गाय भी चरानी है ना, तो गाय भी देखनी है पीछे। देखो आज आप फुल व्यू का एंजॉय लीजिए, अदरवाइज़ बारिश रहती है तो फिर फ़ोन भी ले साथ में ले जाना अच्छा नहीं लगता है, बारिश में जाना ही नहीं होता है किधर भी। तो गाय को लेके चलेंगे आज, और साथ में लाएंगे, मैं लाऊंगी सोले और परू लाएगी मिट्टी, क्योंकि किचन है एक मिट्टी का, तो उसके लिए चाहिए होता है। आ आ आ आ आ आ, आ। मुझे आगे से इसलिए चलना पड़ रहा, उधर से वो जिस दिन मैं वीडियो बना रही थी उधर उधर लेके, उधर नहीं लेके जाना आज, ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो इसलिए। और आके नहाना भी है, क्योंकि अभी मम्मी है घर में, मम्मी नहाएगी
फिर सोना को नहलाएंगे, हम भी नहाएंगे। और ये रहे हमारे धान के खेत, और वो तिमले का पेड़, और पीछे देख सकते हो आप कितना सुंदर नज़ारा है। आज पूरा व्यू आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि कल मैं चली जाऊँगी गौचर, और उसके बाद फिर एक दो दिन के लिए आऊँगी मायके, फिर निकल जाऊँगी। कल गौचर जाएंगे, काम है मेरा गौचर में। और ये पीछे चेता माला, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, दूध नहीं देते वो हमको, सिर्फ बच्चे को पिलाते हैं, क्योंकि उसको लंपी हो गया था तो उस टाइम पे उसका दूध छोड़ दिया था, तो अब उसकी आदत ऐसी हो गई है कि वो दे ही नहीं रही, लात मार रही है, तो बच्चे को ही पिलाना पड़ता है। तो अभी ऐसा करती हूँ, तो चलो अब रास्ते में दिखाती हूँ आप लोगों को बाद में। वीडियो में कंटिन्यू रहिए, इंटरेस्टिंग होएगा ब्लॉग, और अच्छी अच्छी व्यूज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे। हाय वो भांड क्या, आज ऊपर जाएंगे हम इस वाले रास्ते। चल ये बे, हेलो चल जा, चल दिए और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। अब चढ़ाई है, और चढ़ाई में मेरी सांस फूल रही, तो मिलते हैं सीधे ऊपर चल के मटखानी में। तो पहुँच चुके हम डेस्टिनेशन पे। ये ओ का फल जी क्या, ओ इडा हो शायद, मैं तो अब आइडिया नहीं होने देखो। चलो इस पे काटते हैं सौवे यहाँ से मिलके, पर उन निकालती है मिट्टी, कहाँ है मिट्टी की खान। ये ओ इजे की पकोई का फो, ये पीछे म्यू का पेड़ है, जैसे चीकू होते हैं ना वैसे होता है ये जंगली चीकू। और ये रहा काफल का पेड़, देख सकते हो आप। काफल भी दो प्रकार के होते हैं, एक पे काफल आते हैं पकने वाले, और एक जो मैं उधर बता रही हूँ उस पे काफल नहीं आते, तो ऐसी सौंय वगैरह के काम आते हैं। तो मेरे दाख लिकांडी दिए जाए मैम, यहाँ पे पहले बंजर हुआ करता था और हम लोग इधर खेलते थे। अब आप भी बोल रहे होंगे हम किधर किधर खेलते थे, तो हम पहाड़ वाले लोग ऐसे ही खेलते थे, जहाँ जानवर गए अपने वहीं उनके साथ, वहीं हम लोगों का डेरा होता था सीजन के हिसाब से। तो गाय यहाँ नीचे चल रही है और हम काटते हैं सोलवे, और यहाँ ये क्या मुझे माटो, और ये रहा मिट्टी, लाल मिट्टी देख सकते हो आप, भतेरी है, ये लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। और मेरे ससुराल में काली मिट्टी है, वो भी नहीं मिलती है। यहाँ देखो इतनी मिट्टी वहाँ मिले तो मैं भर दूँ कितनी मिट्टी, मेरे ससुराल में मिट्टी नहीं है, खाली पानी है वहाँ, और जोंक होते और क्या बोलते हैं उनको, घोंगे होते हैं बहुत ज़्यादा, लीच और स्नेल्स होते हैं, बस उनके डर से मैं भाग गई बारिश आते। तो चलो ये मिट्टी निकालती है और मैं सोंग बनाती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो उधर मैंने बना लिए सोले, थोड़ा सा लकड़ी भी मिली है तो उनको लेने बाद में आएंगे। और इधर परुण ने मिट्टी बना ली है, मिट्टी का कट्टा बहुत भारी होता है, अब पता नहीं परुण ने कितना बना रखा है। मैं तो इसी थी कर ली, जब सो रहा मैं उठी हूँ, हंसना समी देख के मौत में हंस लिया, जैसा क्यों नहीं तो क्या काम था ये, वो बहुत ही होता सुसाटी हो जाना कटा भरी नहीं पेट पर साल हो जो कोई नहीं बना छाप में बल में सदी नहीं चढ़ में ऐसा क्यों नहीं मैं हाथ में तो एक खिचन काम हो रहा है। ये देखो ये मिट्टी, मिट्टी बहुत मिट्टी है देखो,
मैं तो नहीं उठा पाती भाई इसको मैं तो नहीं उठा पाती भाई इसको, मेरे बस का नहीं है ये सब करना। बाप रे, थोड़ा थोड़ा वाली ये पहन दिया है कोट पर उन्हें, पर को उठाते हैं। पहाड़ की लाइफ जितने सुंदर ये पहाड़ है ना लाइफ, उतनी सुंदर है नहीं, मजबूत भी है सुंदर है नहीं। बाबा काम तो करना पड़ता है, ताकत है तो तुम खा सकते हो, और ताकत के लिए खाना पड़ता है, ये तो खाती भी नहीं है। चलो भाई अब मेरी बारी है। हाय दोस्तों, कैसा लग रहा है कटा ऐसे में? बहुत अच्छा लग रहा है। ये इनका साथ हम जाइयो, ये हमारी संस्कृति है, इससे हमें क्या शर्माना है ना। और अच्छी बात है कि हम बचपन में गांव में रहे तो हमको पता है, हमको भी आता है थोड़ा बहुत, हम भी अपनी नाक ऊंची कर सकते हैं कि मुझे आता है सब काम, मुझे सब आता है थोड़ा थोड़ा, पर आता सब है, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत माँ की मदद करते करते काम भी किया है, तो इसीलिए थोड़ा ससुराल में भी कर पाई, नाक बचा दी। ए देखो ये काम करने पर, इन लोगों के पास लकड़ी नहीं है बिल्कुल भी, अब मेरे को टेंशन हो रही है, लकड़ी नहीं है, इन लोगों ने इकट्ठा कर रखी है, तो जब से मैं आई हूँ मैंने बहुत लकड़ियाँ कर दी इकट्ठा कर दी। हमारे गांव में बहुत लकड़ी होती है लेकिन इन लोगों ने लकड़ियाँ, देखो यहाँ पर बन रखी है लकड़ियाँ, ये सूखी है, और इधर बना रखी, कोई चोर ना मत हमारी लकड़ी जब तक हम आते हैं। ये काफल के है कच्चे, और ये मेरे सौ की कंडी, और ये गिर चुकी है तो इसको उठाएंगे और फिर पीठ पे लगाएंगे। अब है मेरी परीक्षा, और आप लोग भी लाइव देखो मैं उठा पाती कि नहीं उठा पाती इसको। ओह, सपने पूरे हो गए मेरे, मैं मुंबई में रह के लोगों के वीडियो देखती थी तो मेरा मन भी करता था काम करने का। उठाओ मेरे को, ये तुम उसको टाइट करने वाले तो थी वही नहीं टाइट। तो चलो ऐसा करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और मेरे सोले की कंडी आपको अच्छी लगी होगी, परू का मिट्टी का कट्टा, और बस ऐसी मस्ती भरी लाइफ होती है पहाड़ों की, पर पता नहीं लोगों को पसंद क्यों नहीं है। तो ऐसा करती हूँ, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ये ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इतनी मेहनत करते हैं लोग तो पहाड़ की नारियों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।